राजधानी जयपुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के बाद हजारों की नकदी और जेवरात लेकर के चंपत हो गई। मामला श्रावस्ती नगर थाना इलाके का है, जहां पर लुटेरी दुल्हन सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक सुरेश पटवा नाम के एक युवक ने टोंक निवासी लक्ष्मण की शादी दिल्ली निवासी किरण से कराई, जिसकी एवज में उसने 2 लाख रुपए लिए, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही किरण जेवर और 20,000 रुपए लेकर के फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित को सुरेश के जरिए किरण का दिल्ली का पता मिला और जब वह उसे लेने दिल्ली पहुंचा तो किरण और उसके साथियों ने पीड़ित को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी और थाने में बंद करा दिया। साथ में पुलिस ने छुड़वाने की एवज में 50,000 रुपए मांगे। इस पर पीड़ित ने किरण को 50,000 रुपए दे दिए और जयपुर आने के बाद शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सक्रिय है अभी जो नकली शादी करवाते हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है तो उनकी नकली शादी करवाते हैं, कुछ दिनों बाद दुल्हन पैसा गहना जो भी लेके भाग जाती है। यही मामला जो आया हमारे पास, हमने परिवाद पेश किया है। इसमें जो लक्ष्मण है उसकी उम्र 43 साल हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेश पटवा, सजना पटवा और महेश सेन से हुई। इन लोगों ने कहा कि हम आपकी शादी करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमारा यही काम है। तो इन लोगों ने फिर दिल्ली की निवासी किरण, प्रीति, दीपचंद और सपना से इनकी मुलाकात करवाई। सपना ने कहा कि मैं किरण की भाभी हूँ, दीपचंद ने कहा मैं भाई हूँ, प्रीति ने कहा मैं इसकी छोटी बहन हूँ। इस तरह से इनका एक पूरा गिरोह था और इन लोगों ने मिलकर इसकी एक शादी करवाई जो नकली शादी बिल्कुल। आप देखिए एक सहमति पत्र करवा दिया, 100 रुपये के स्टाम पर कहा कि आपकी शादी हो गई और आप जाइए और 2 लाख रुपये इनसे ले लिए। कुछ दिनों किरण इनके साथ रही, बाद में मौका देकर किरण फरार हो गई। जब काम से जब लौटे इन्होंने देखा कि घर में कपड़े नहीं है, 20,000 रुपये नगद जो पड़े थे वो भी नहीं है, तब इन्होंने फोन किया तो फोन सबके। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।